सेकेंड इज आर, यूज ऑफ आर, कि हम आर कहाँ यूज़ करेंगे। अभी हमने इस सीखा ना कि हमने इस कहाँ यूज़ करना है सिंगुलर चीज के साथ, अब हम आर कहाँ यूज़ करेंगे। आर हम यूज़ करेंगे जब हम बहुत सारे इंसानों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही तो एक लड़का हो गया, ठीक है ना। अब जब बहुत सारे लड़के हो जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, दे, क्या हो जाते हैं, दे, ठीक है। जब बहुत सारे लड़के लड़की हो जाती हैं तो क्या हो जाते हैं, दे, टी एच ई वाई, दे, ठीक है। इसको सही से लिख दूँ, टी एच ई वाई, दे, ठीक है। तो जब हम दे लिखते हैं तो मतलब हम बहुत सारे लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, दे। या फिर हम किसके साथ यूज करते हैं, यू, तुम, जब हम बोलते हैं तुम, यू, यू मतलब तुम, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आर। दे के साथ हम आर यूज़ करते हैं, यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं। या फिर जब टू नेम या दो से ज़्यादा नेम आपके साथ में आ जाए, नेम, कितने, टू से ज़्यादा, ठीक है। वन से ज़्यादा होते हैं, टू से ज़्यादा, जितने भी टू या टू से ज़्यादा जितने भी नेम होंगे उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर, क्या यूज़ करेंगे, आर, ठीक है। दे, यू या दो से ज़्यादा नेम, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्लूरल, प्लूरल के साथ, ठीक है। प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर, क्या यूज़ करेंगे हम इसके साथ, आर। इस हमने कहाँ यूज़ किया था, सिंगुलर के साथ, और आर हम कहाँ यूज़ करेंगे, प्लूरल्स के साथ, मतलब जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो उसको प्लूरल बोलते हैं ना। तो ऐसे ही जब एक से ज़्यादा इंसान हो जाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे उसका, दे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, सॉरी, आर, जब बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर, ठीक है। आगे समझ में आपको, आपने इसको एज इट इज ही उतारना है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, नंबर वन, दे डैश ब्लाइंड, दे डैश ब्लाइंड, तो दे के साथ हमने क्या यूज किया है, आर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे आर ब्लाइंड। नेक्स्ट नंबर टू, यू डैश मैड, तुम पागल हो, तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, क्या लिखेंगे इधर, यू आर मैड। नंबर थ्री, कोई भी दो फ्रेंड ले लीजिए, अनु प्लस अनु एंड राम आर अनु एंड राम, दो नेम हो गए ना, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर। अनु एंड राम आर प्लेइंग, अनु और राम खेल रहे हैं, ठीक है। आया आपको समझ में, आर हम कहाँ यूज करेंगे, दे, यू या फिर कोई भी प्लूरल होगा उसके साथ, दो नाम होंगे, दो से ज़्यादा नाम होंगे, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, आर। आपने इसको एज इट इज ही उतारना है नोटबुक में, ओके। करूँ रब, अब हम थर्ड समझेंगे। थर्ड वाला क्या आ गया, इज हमारा किसके साथ यूज होता है, जो सिंगल चीज होती है एक इंसान के साथ, और आर का यूज होता है जब हमारे बहुत सारे हो जाते हैं। तो हम थर्ड क्या है हमारा, एम, एम, एम जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है। जैसे हम अपने को अपना स्पेशल मानते हैं ना, ऐसे ही एम जो है इसमें एक स्पेशल केस है। वो कहाँ यूज होता है, आई के साथ, वो सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। आई मतलब मैं, हम अपने आप में स्पेशल होते हैं ना, हर बंदा अपने आप में स्पेशल होता है ना, तो ऐसे ही आई मतलब मैं, तो इस आई के साथ क्या होगा, एम। इस आई के साथ क्या आता है, एम, एम सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लीजिए इसके, एग्जांपल, आई एम अ गर्ल, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ एम, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, आई डैश इल, इल मतलब बीमार, तो क्या आ जाएगा इधर, आई एम इल,
ठीक है। एम का यूज होता है सिर्फ आई के साथ, एम का यूज होगा सिर्फ आई के साथ। आया आपको यूज ऑफ इज एम आर समझ में? अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। ओके, गुड बाय।